for joining me on Frankly Speaking, and this is going to be on the campaign trail. Kamal Nath, you know, I've known you for what, 25, 28 years, and I've never seen a dull moment with you when politics is concerned. Never tires you? Well, it is tiring, but then you go to whom? It is the pursuit of fulfillment. There's a difference between achievement and fulfillment. In the pursuit of fulfillment, that energizes you. तो इतनी एनर्जी जो आप लेकर आते हैं, पहले आप इतने साल सेंटर में रहे, मुझे लगता है 9 आपने लोकसभा के चुनाव जीते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर आकर आपने भोपाल में अपना बेस बना लिया है. मुख्यमंत्री की लड़ाई ज्यादा अच्छी लगती है या केंद्रीय मंत्री का रोल ज्यादा पसंद था? देखिए, मैंने जैसे कहा कि फुलफिलमेंट मेरा ऑब्जेक्टिव है, और मैं तो अब यहाँ सालों से रह रहा हूँ. पूरी जिंदगी मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं पर मध्य प्रदेश में काटी है, और यहाँ की राजनीति में मैं पहली मई 2018 को अध्यक्ष बना था. तो उसके बाद 3 महीने में चुनाव थे, तब हमारी गवर्नमेंट बनी, तब सौदा हुआ, हमारी सरकार गिरी. तो उसके बाद से तो मैं यही हूँ, और हर जिले मेरा संपर्क है, हर जिले का मैं दौरा करता हूं. आज आप भी चल रही हैं. चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं चुनाव में क्या रंग देखने को मिलते हैं. कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, हम भोपाल से निकलकर मंदसौर की तरफ जा रहे हैं. मंदसौर और नीमच आज आपके एजेंडा पर है. ये दोनों जगह जो हैं, यहाँ पर बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी ये ख्याल दिमाग में आता है? मेरा प्रयास है कि जो हमसे सबसे कमजोर क्षेत्र है, मैं वहां जाऊं, कि वहीं जाने से कुछ असर पड़ सकता है, और वहां जाने से बात सामने भी आती है. मैं अपनी बात रखूंगा. लेकिन मंदसौर वो इलाका है जहां पिछले चुनाव के आसपास किसानों पर फायरिंग भी हुई थी. कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा वहां पर मुहिम छेड़ा था, राहुल गांधी वहां गए थे, बावजूद इसके वहां आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला जनता से, और आपने तब फार्म लोन वेवर का भी एक प्रॉमिस किया था, जिसे बीजेपी आज भी रोज दोहराती है कि आपने वो वादा पूरा नहीं किया. ये जनता जानती है मैंने क्या किया. बीजेपी झूठ बोलने से बाज नहीं आती. मंदसौर नीमच जो लगभग एक जिला है, क्योंकि मंदसौर नीमच एक थे, अब 2 जिले बन गए. मंदसौर नीमच में हमारी एक सीट भी नहीं है, और हम लगातार हारते गए हैं. वहां मैं जा रहा हूं और जनता के सामने अपनी बात रखूंगा. मुझे इस बात का विश्वास है कि इस दफे मंदसौर और नीमच का इतिहास बदलेगा. आपको लगता है कमलनाथ जी, कहीं ना कहीं एक फ्रीबी कल्चर, और आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, आपने कॉमर्स, इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तमाम आपने पोर्टफोलियो संभाले. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये प्रोफिलगेसी, ये जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है, ये कोई भी राज्य क्या सस्टेन कर पाएगा? पिछले 5 महीनों में ये शिवराज सिंह जी ने किया. हमने तो केवल अपना वचन दिया है कि हम महिलाओं को 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को बहने याद आई, और हमने तो कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे. हम चाहते हैं क्रय शक्ति बढ़े हर परिवार की, और इसकी कैलकुलेशन करके हमने दिया है. आपने कहा शिवराज चौहान को अब बहने याद आई हैं, पर उनकी लाडली स्कीम तो कब से चल रही है? सब झूठ. ये इन्होंने जो 1000 रुपए और अब कह रहे हैं 1500 दूंगा, ये 5 महीने पहले से शुरू करी. इसमें भी शर्तें रखी हैं कि उस उम्र वाली के देंगे, उस उम्र के देंगे, आपको ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. ये तो 5 महीने पहले की स्कीम है. इन्होंने इतनी सारी चीजें, इनको बहने याद आई 18 साल बाद, इनको कर्मचारी याद आए, इनको नौजवान याद आए पिछले 5 महीने में, और जनता आप सोचते हैं क्या ये समझती नहीं है कि ये किस प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं.
तो प्रलोभन तो आपने जो एक रैली की जिसमें प्रियंका गांधी जी भी एक तरह से प्रलोभन उसे भी कहा जा सकता है, जो आप कह रहे हैं पहले से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को कुछ दिया जाएगा। ये हमारा वचन पत्र है, आप कहें तो वचन पत्र, वो कहें तो प्रलोभन। नहीं, हमने कहा कि पढ़ाई एक बहुत बुनियादी चीज है, ये तो प्रियंका जी ने कहा, हमारे वचन पत्र का एक पाठ है, उसमें क्या खराबी, हम देंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले। आपको लगता है कि एक चुनाव जो पांच राज्य में है, वहाँ एक मुहिम कांग्रेस की ये भी है कि हर राज्य में ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, वहाँ राजस्थान में पीसीसी चीफ जो है उनके घर रेड्स हुए, उनके बेटे को बुलाया गया, अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया गया ईडी द्वारा, मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है जब भी इलेक्शन है तो ईडी सीबीआई निकल आती है। ये देखिए पूरा देश देख रहा है जो हो रहा है, और बीजेपी सब चीजों का उपयोग कर रही है, ये अच्छे संकेत भविष्य के लिए नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद अगर ऐसी परंपराएं बन गई किसको नुकसान है? आप आज की बात कल की बात छोड़िए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अपने देश के प्रजातंत्र के लिए कौन सी बात सही है और हम कैसी हम परंपराएं बनाएं। लेकिन चुनावी मुद्दे, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो एक मंच पर आई हैं, वो मंच पर आई हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, क्या ये लगता है? ये मुद्दे कोई उद्योगपति को देखते हुए, कोई किसी सांसद को देखते हुए, उसने क्या कुछ नहीं, क्या अपनी वोट देगा या वोट नहीं देगा, आज लोगों को अपने वोट के लिए क्या करना है, क्या सोचना है, राजनीति बहुत स्थानीय है, ये अब विदेश में क्या हो रहा है, फलानी मणिपुर में क्या हो रहा है, इस पर नहीं आधारित। ये सोचते हैं कि बिखराव मणिपुर में तो सोचते हैं सामाजिक बिखराव हो रहा है, वो एक मुद्दा बनता है गांव में, पर वो एक सिद्धांतिक मुद्दा है, पर बाकी चीजें कोई कोई सांसद कोई गिफ्ट ले रहा है, आप बताइए कौन सा वोटर कहेगा कि ये इससे हमारा वोट आधारित है। जर्नलिस्ट ऑफ दिस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो चुनाव है इसमें फिर मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या धर्म है, क्योंकि राम की बात होती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले राम का अस्तित्व पूछती थी, अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो राम भक्त हो गई है। देखिए ताला किसने खोला था? राजीव गांधी ने। आप शुरू करिए यहाँ से। अरे मैं आप शुरू करिए, आज बीजेपी कहती है राम मंदिर, जैसे उन्होंने उसका पट्टा अपने नाम पर लिखाया हुआ है, सरकार उनकी, उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर आपका है, मेरा है, हमारे देश के हर व्यक्ति का है, बीजेपी उसकी एजेंसी लेना चाहती है, और धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाया जा सकता। मैंने सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में 14 साल पहले बनाया, कोई राजनीति इसमें नहीं, मेरी भावना है हमारा धर्म हमारी भावना पर। भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, सही बात है ये।
साथ वहां पर जनता से बात की, आपने बखूबी धर्म को और राष्ट्रवाद को एक मिश्रण किया और जनता के साथ एक संपर्क बनाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है चुनाव में, कांग्रेस किस मुद्दे पर और किस वचन पर ये चुनाव लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है? हमारी एक ही रणनीति है कि जितना धोखा आज मध्य प्रदेश के हर वर्ग के साथ हुआ है इसको हम उजागर कर रहे हैं। जनता ने बहुत सह लिया है, समय आ गया है कि जनता अब उनको कड़ा जवाब दे। लेकिन आपने कहा युवाओं के पास नो काम, आपने कहा मिला लोगों को सिर्फ दाम, फिर शिवराज जी का क्या काम? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शिवराज जी को तो लोग मामा भी बुलाते हैं, मामा जी बुलाते हैं, आपको लगता है पॉपुलैरिटी ऑन द ग्राउंड शिवराज जी की आपके पास कोई तोड़ है? क्या पॉपुलैरिटी है ये 3 दिसंबर को सामने आ जाएगी। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो बाबूलाल गौड़ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने 66 सीटें ओबीसी वर्ग के लोगों को दी है। आपकी पार्टी ने 62 सीटें दी हैं, 62 सीट्स, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस कोई बड़ा फेस ओबीसी से नहीं है, इससे क्या कांग्रेस को कोई डिसएडवांटेज है? बिल्कुल नहीं, सब जानते हैं कि 27% आरक्षण कमलनाथ ने दिया था, इसका मैं कानून लाया था, ये हर ओबीसी व्यक्ति जानता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन आरक्षण, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मेरिट और आरक्षण पे एक बड़ी डिबेट है एजुकेटेड सोसाइटी में, आप चाहते हैं कि अभी 75 वर्ष बाद भी आरक्षण की ही बात हो, और कांग्रेस कहती है जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी रिप्रेजेंटेशन, तो माइनॉरिटीज का क्या होगा? ये हमने कहा है हम जातिगत गणमतना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत मतगणना से ये होगा, सब बात साफ आ जाएगी कितनी पिछड़ी जाति के हैं। ये ओबीसी कॉन्सेप्ट हम नहीं लाए, ये तो चल रहा है समय से, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आवश्यक रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमारे एससी हुए, एसटी हुए, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री उतारे हैं मध्य प्रदेश में, इस रणनीति का कांग्रेस को खामियाजा हो सकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जहां से ये केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे सिर्फ अपनी सीट नहीं लेकिन आसपास के इलाके में भी उनका असर होगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका अनुमान लगाया है कि उन्हें कितना नुकसान होगा? पहले तो ये सब मंत्री अपनी सीट जीत लें और क्या मजबूरी थी बीजेपी को, इसका मतलब वो सोचते थे कि इनकी हालत, उनकी अपनी हालत इन क्षेत्रों में नाजुक है, इसीलिए तो इनको लगाया। ये बेरोजगार तो थे नहीं, ये तो मंत्री थे, सांसद थे, तो इनको यहाँ भेजना, मैं सोचता हूँ ये बीजेपी की परेशानी और इनकी डेस्परेटनेस का एक सिंबल है। कमलनाथ जी, एक राष्ट्रीय लेवल पर अलायंस बनी है, इंडिया अलायंस,
अब इस अलायंस में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां शामिल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 92 ऐसी सीट्स हैं जहां ये आपके साथ मुकाबले में है, तो क्या इस अलायंस का कोई अर्थ है? ये अलायंस केंद्र लेवल पर है, हमने भी उनसे चर्चा करी थी। प्रश्न सीटों का नहीं था, प्रश्न था कौन सी सीटें, जो सीटें वो चाह रहे थे वहाँ ऐसी परिस्थिति या तो हमारा जाति समीकरण खराब हो जाता या बीजेपी जीत जाती। वो भी नहीं चाहते कि बीजेपी जीते, हम भी नहीं चाहते बीजेपी जीते। लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके की तो बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक वायरल हुआ वीडियो जिसमें आपसे किसी ने पूछा अखिलेश जी भी हैं, तो आपने कहा अखिलेश वखिलेश के बारे में मुझे नहीं कहना, और इस पर वो आक्रोश में आए। अखिलेश के बारे में नहीं कह रहा था मैं, उस विषय की बात कर रहा था। तो मैंने कहा अखिलेश की बात मत करिए, हाँ दूसरे विषय पर करिए। मैं मोटर में बैठा था, मैं चल रहा था, तो मुझे इन सब बातों में जाने का समय नहीं था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ आपकी कोई रणनीति नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग नहीं बन पाई अभी राज्य के चुनाव में, तो क्या केंद्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बन पाएगी? ये क्या अंदेशा देता है? ये अभी ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद बैठ के चर्चा दिल्ली में चल रही है, तो मुझे जानकारी है कि चर्चा चलती रहेगी और कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। कमलनाथ जी, मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगी, नंबर्स हमेशा बताते हैं स्टोरी, तो मैं आपको बताऊंगी। राजनगर जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कांग्रेस 2018 में सिर्फ 732 वोटों 732 वोट से जीती थी, और यहां पर अब आपके खिलाफ सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। एक और आंकड़ा देती हूँ, कांग्रेस ग्वालियर साउथ को 121 वोटों से जीता था, इस बार आपके कैंडिडेट के सामने आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। जबलपुर नॉर्थ में आप लगभग 550 वोटों से 2018 में जीते थे, आज जेडीयू और बीजेपी दोनों आपके खिलाफ हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन सीटों पर जहाँ नैरो विक्ट्रीज हैं, तिकोना जो चुनाव होता है वो क्या बीजेपी को फायदा देगा? आम जनता समझती है कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, इसमें कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी, कि वो जानते हैं कि उनकी समस्याओं के हल, उनकी मांगों का की पूर्ति कोई समाजवादी तो कर नहीं सकती, कोई बीजेपी तो कर नहीं सकती, तो क्या वो अपना वोट बर्बाद करेगी? और जहाँ तक आपने आंकड़ों की बात करी, ये आंकड़े राजनीतिक बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं आपको 5 सीटें बता दूं जहां पहले 20,000 से हारे और 2018 में 20,000 से जीते, तो ये आंकड़े भी कोई सबक नहीं सिखाते, क्योंकि जहां हम कम वोटों से जीते हैं, मुझे पूरा यकीन है इस दफे हम बहुत जबरदस्त जीतेंगे वहां, क्योंकि हमारी कांग्रेस ने भी तो वो देखा कि कम वोटों से जीते हैं, उनका भी तो प्रयास रहा। कॉन्शियस डिसीजन है आपका कि आपके बेटे चुनाव और पॉलिटिक्स और राजनीति में आए, या आप कभी सोचते होंगे कि जिस तरह की इस वक्त राजनीति है, इतना आसान नहीं है, कुछ और करते तो बेहतर था? एक पिता होने के नाते आप क्या सोचते? अंत में छिंदवाड़ा के लोगों ने जो कहा मैंने वो किया, जो मैं 44 साल करता रहा, उन्होंने कहा अपने बेटे को लड़ाई है, मैंने लड़ा दिया। ये मेरी इच्छा या ना इच्छा की बात नहीं थी, छिंदवाड़ा के लोगों ने मुझको कहा। कर्नाटक के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी, वो थी मुस्लिम वोट बैंक। मैं पूछना चाहती हूँ कि सारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर कांग्रेस की तरफ कर्नाटक में आया, मध्य प्रदेश में क्या इसी तरह का एक एकजुट वोट होकर कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है? ये कि हम केवल मुस्लिम वोट पर डिपेंडेंट है ये बात नहीं है, मुसलमान का अपना जजमेंट है, वो उनका अनुभव है, हिंदुओं का भी अपना अनुभव है, तो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो मुसलमान वोट से हम जीत सकते हैं? ऐसी कोई सीट नहीं है।
सीधी बात तो ये है, तो जब तक कोई जाति भी हो, एक जाति पर हम सीट नहीं दे सकते। हमारी जो आरक्षित सीटें हैं, एसटी सीट है, केवल एसटी सीट में हम आदिवासी वोट से नहीं जीत सकते, आदिवासी प्लस 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 चाहिए। हमारी जो एससी सीट्स हैं आरक्षित, वो हमें एससी प्लस 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 चाहिए। नहीं है कि एससी सीट है तो एससी कैंडिडेट लगा दो, सब एससी वोट मिल जाएगी। एससी वोट मिल भी जाए पर आपको उसके बाद प्लस 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 और वोट भी चाहिए। तो यानी कि इसीलिए आप सेफ खेलते हैं, आप भक्त भी हैं हनुमान के, राम के भी, शिव जी के भी, और आपको पता है कि हिंदू वोट जरूरी हैं। और जब आरएसएस का स्टेटमेंट आया था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो आपका भी एक स्टेटमेंट आया कि जहां 80% लोग हिंदू हों तो वो हिंदू राष्ट्र ही होगा। क्या आप अपनी पार्टी से थोड़ा अलग व्यू रखते हैं? ये तो आंकड़े मैंने बताए, अगर 80% या 82% या जितने प्रतिशत अगर हिंदू हैं, तो ये कहने की आवश्यकता क्या कि 82% है। ये आंकड़े जो चीज साफ बताते हैं, इसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब हम एक सेक्युलर स्टेट, हमारे लिए हिंदू, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग का हमारा सम्मान है। तो चलिए, चुनाव दूर नहीं है, बस 14 दिन रह गए हैं चुनाव के लिए, और फिर 3 दिसंबर को चुनावी रिजल्ट। We'll tell you who's the winner, who's the loser. जो जीता वही सिकंदर। Thank you for speaking with me on Frankly Speaking, कमलनाथ जी।